नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत शाह और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों आज है सोमवार 31 जुलाई 2023, और जैसा कि हमने कहा था कि आज हम एक पेटिशन भेजेंगे और ये पेटिशन हमने 6 जगहों पे भेजा है। कौन कौन सा जगह है, इस पेटिशन में क्या लिखा हुआ है, ये सारा कुछ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और साथ ही आपको दिखाऊँगा कि ये मैंने डाक से भेज दिया है और इसी का ये स्लिप है। आप देख सकते हैं इसमें 6 जगह हमने भेजा है और एक कॉपी हमारे पास है जो कि हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि ये लेटर हमने क्यों लिखा है, और इसमें हमने 10 मांगें सरकार को अभी दी है, और वो कौन कौन सी मांगे हैं, और ख़ासकर ये उन लोगों को जानना ज़रूरी है जो कि सहारा रिफंड पोर्टल पे क्लेम करना चाहते हैं या क्लेम करने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ क्या क्या किया जा रहा है, ये सभी लोगों को पता चल सके। तो इसके लिए इस पूरे वीडियो को देखिए। आपको बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को सहारा सेवी रिफंड खाते से सेंट्रल रजिस्ट्रार के खाते में 5,000 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र करने का आदेश दिया था। किन के लिए, तो सहारा ग्रुप सोसाइटी के लिए, जैसा कि माननीय कोर्ट का आदेश है उसको जाकर के पढ़ सकते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा इस आदेश को अनुपालन करने के लिए यानी कि लागू कराने के लिए अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको हमने इस एप्लीकेशन के अंदर कवर किया है। और इसको सबसे पहले हमने जस्टिस सुभाष आर रेड्डी जो कि माननीय पूर्व न्यायाधीश है उच्चतम न्यायालय की, जो कि इस पूरा संवितरण का यानी कि आपको जो पैसा दिया जा रहा है रिफंड पोर्टल के द्वारा उसका निगरानी उन्हीं के जिम्मे है, और उनके साथ ही सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया है। और तीसरा हमने दिया है, चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो इसी के लिए हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दिया है। और चौथा हमने माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को, पांचवा अमित शाह जी जो कि माननीय केंद्रीय मंत्री सहकारिता समिति हैं, और छठा हमने एक नीतीश कुमार जी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनको भी भेजा है। तो इसमें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको लिखा है, और साथ ही जो आदेश के बाद सरकार के द्वारा जो पोर्टल जारी किया गया है और उसके बाद अमित शाह जी के द्वारा जो 10,000 रुपया देने की बात की गई है उसको लिखते हुए हमने 10 मांग इसमें दिया है, जिसमें कि अगर पहला मांग अगर आप देखेंगे तो इसमें सरकार के द्वारा जो नियम बनाया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए, उस नियम का नोटिफिकेशन अभी तक न तो प्रकाशित किया गया है और न ही जारी किया गया है। अगर आप में से किसी को मिला हो तो एक बार ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारदर्शिता बरतने का स्पष्ट निर्देश है। दूसरा जो पॉइंट है उसमें हमने लिखा है कि हमारे देश के गरीब अनपढ़ सहारा जमाकर्ताओं की संख्या ज़्यादा है, और उनको वंचित रखने के लिए रिफंड की प्रक्रिया ऑनलाइन आधार के साथ जबरन लॉगिन करवा करके जानबूझ करके जटिल बना दिया गया है। अब आप पूछेंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार के द्वारा ही 20 मई 2023 को एक गजट नोटिफिकेशन निकाला गया था जिसमें यह बताया गया था कि सहारा का जो रिफंड के लिए ऑनलाइन पोर्टल बन रहा है उसमें आधार ऑथेंटिकेशन जो होगा स्वैच्छिक होगा, और जबकि यहाँ जबरन लॉगिन कराया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंक अकाउंट है, आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर है, लेकिन एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि गरीब से गरीब आदमी को हमने देखा है कि 50,000 से ज़्यादा रुपया उसका फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति में पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारा लिंक कराने में उसको तकरीबन 1500 से 2000 रुपया तक खर्च होने की संभावना है, क्योंकि आधार और पैन जो लोग लिंक कराएंगे अभी जा करके कम से कम 1000 रुपया तो सरकार ही चालान के रूप में ले रही है। तीसरा जो हमने पॉइंट लिखा है जिसमें कि यह कि जमाकर्ताओं ने सहारा ग्रुप के सहारा इंडिया में पैसा जमा किया था जिसको बाद में जबरन धोखे से पहले क्यूसॉप में फिर सहारा ग्रुप की सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसके बाद हमारे उपरोक्त लाखों शिकायतों के बाद भारत सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से सहारा सेवी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपया सेंट्रल रजिस्ट्रार के खाते में ट्रांसफर करने का अपील किया था, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को ऐतिहासिक फैसला देते हुए सहारा ग्रुप सोसाइटी के वैध जमाकर्ताओं के लिए 5,000 करोड़ जारी करने का निर्देश दिया था। ऐसे में सेंट्रल रजिस्ट्रार के पोर्टल पर जाके देखिएगा घोषणा में पॉइंट नंबर 1 में सहारा ग्रुप सोसाइटी के जगह पे आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, तो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हम मेंबर हैं, जमाकर्ता है, हमारा इंडिया या फिर अलग अलग जो सोसाइटी है उसका मेंबर आपको बताया जा रहा है। वो पूछेगा इसे हमें क्या दिक्कत है, तो इसे यही दिक्कत है कि सोसाइटी के टर्म एंड कंडीशन के अनुसार आपको पैसा मिलेगा, जबकि आपने सहारा इंडिया के अंदर पैसा जमा किया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है सहारा ग्रुप सोसाइटी ऐसा लिखा हुआ है।
इसके बाद चौथा और सबसे अहम पॉइंट है यह कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के एप्लीकेशन में जमाकर्ता द्वारा एक स्वयं की घोषणा लिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत संख्या दो का अंतिम लाइन अगर पढ़ेंगे जिसमें लिखा है आई शैल नॉट बी परस्यू द क्लेम इन अदर फोरम टू द एक्सटेंड इट सेटल बाय सहारा सीआरसी रिफंड अकाउंट, यानी कि हिंदी में जब तक सहारा सीआरसी रिफंड खाते द्वारा इसका निपटान नहीं हो जाता है तब तक मैं किसी अन्य मंच पे दावा दायर नहीं करूँगा। हालांकि इसके बारे में कई लोग अलग अलग तरीके के बात बता रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि हिंदी में जो लिखा हुआ है उसमें एक राशि शब्द एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है लोगों को कन्फ्यूज़ होने के लिए। अगर इंग्लिश का लाइन देखिएगा तो उसका सीधा सीधा मतलब यही हुआ कि जब तक वहाँ सेटलमेंट आपका ख़त्म नहीं होता है तब तक आप इसको किसी अन्य मंच पर नहीं उठा सकते हैं, यानी कि 10,000 रुपया अभी आपको दे दिया जाए और चूंकि उसमें मैक्सिमम बाकी पैसा कब दिया जाएगा इसकी कोई जिक्र नहीं है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जब तक सेटलमेंट आपका पूरा नहीं होगा तब तक आप उसको किसी दूसरे मंच पे कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते हैं। और जिसके लिए हमने लिखा है कि सरकार के द्वारा इस तरह का घोषणा लेना असंवैधानिक और जमाकर्ताओं के अधिकार का हनन है, इसीलिए अभी तक जितने लोगों ने भी अप्लाई किया है उनके अप्लाई में ये जो लाइन लिखा हुआ है, जो लाइन अभी हमने बताया, उसको रद्द मानते हुए और अविलंब इस लाइन को यहाँ से हटाया जाए। क्योंकि अगर ये इसका मीनिंग होता कि भाई 10,000 रुपये हमको मिल गया उसको हम क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, आपको तो खाता में हमें पैसा दे रहे हैं तो ये लिखने की ज़रूरत क्या है। ऐसे भी अगर आप पैसा हमें दे दीजिएगा 10,000 रुपया तो उसको तो कोई क्लेम करेगा ही नहीं। तो सवाल ये नहीं है, सवाल आपको गलत कौन बता रहा है उसको जा करके देखिए। पांचवा और सबसे अहम पॉइंट ये है कि केंद्र सरकार ने, जैसा कि अमित शाह जी ने कहा है कि इस पोर्टल पे 1,07,00,000 लोग ही अभी अप्लाई कर सकते हैं, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का 9 महीने के अंदर अंदर जो पैसा है लोगों का रिफंड करने का आदेश हुआ है। ऐसे में जो बाकी जमाकर्ता हैं, हो सकता है 8 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हों, उनको वंचित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उनको वेबसाइट का क्षमता बढ़ाना चाहिए और अगर ज़्यादा पैसा के लिए क्लेम होता है ऐसी स्थिति में सहारा इंडिया का जो भी प्रॉपर्टी है उसको जब्त करके नीलाम करके लोगों को दिलवाना चाहिए। छठा जो पॉइंट है काफ़ी अहम है, आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आते रहता है कि जिन जमाकर्ताओं की मृत्यु हो गई है उनके नॉमिनी या परिवार के सदस्य का क्लेम करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, जिसका हमने यहाँ पे जिक्र किया है और इस ऑप्शन के लिए मांग उठाई है। 7वां पॉइंट में हमने लिखा है कि देश के बहुत सारे गरीब जमाकर्ता हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, लिंक है भी तो पुराना नंबर है या फिर बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि वो ऑफलाइन के माध्यम से भी क्लेम अपना भेज सके। पॉइंट नंबर 8 में हमने दिया है कि सहारा इंडिया जमाकर्ताओं का जो पैसा है पिछले 8-10 वर्षों से बकाया है, जिसमें वो बॉन्ड के परिपक्वता के बाद ब्याज के हकदार हैं। जब तक अभी तक सरकार के बारे में इस तरह की कोई भी बात, यानी कि ब्याज के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, जबकि उनको ब्याज मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने पैसा जो जमा किया था सहारा इंडिया में जमा किया था, बाद में क्यूसॉप में कन्वर्ट कर दिया गया और उनको फिर सोसाइटी का पेपर पकड़ा दिया गया है जो कि धोखे से पकड़ा दिया गया है, और ये बात खुद वित्त मंत्री सीतारमन जी ने भी कहा है। तो इसीलिए सभी लोगों को ब्याज मिलना चाहिए कि नहीं एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और इसी बात की चर्चा हमने पॉइंट नंबर 8 में की है। 9वां पॉइंट में हमने लिखा है कि अगर किसी जमाकर्ता का बॉन्ड पेपर में आधार के साथ नाम मिसमैच है, बैंक अकाउंट में नाम मिसमैच है, तो इसके लिए अमित शाह जी के द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया है। और यहाँ पे मैं अमित शाह जी की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि सेंट्रल रजिस्ट्रार ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन ही नहीं निकाला। अगर उन्होंने कोई नियम बनाया है तो उनको नियम जारी करना चाहिए। सबसे अंतिम और 10वां पॉइंट ये है कि बहुत सारे ऐसे जमाकर्ता हैं जिनका जो क्लेम के नाम पे बॉन्ड पेपर सहारा इंडिया के ऑफिस में जमा करा लिया गया है कि आपको पैसा मिल जाएगा, और अभी भी उनका पेपर रखा हुआ है। ऐसी स्थिति में उनका भी भुगतान सुनिश्चित कराना सरकार की जिम्मेदारी है। और इसके साथ ही सबसे लास्ट में हमने लिखा है कि अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त बातों को मद्देनजर सहारा ग्रुप संवितरण मामले में उपरोक्त सुधार कर पारदर्शिता बरतते हुए अविलंब नोटिफिकेशन जारी किया जाए, साथ ही क्लेम करने वाले जमाकर्ताओं को क्लेम करने के बाद एक बार में ही पूर्ण भुगतान नियमानुसार ब्याज समेत सुनिश्चित किया जाए। कहने का मतलब एक बार क्लेम करें और सभी का पैसा ब्याज समेत मिलना चाहिए।
क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो एक बार हमें ज़रूर बताइएगा। ये सारा पॉइंट हमने पिछले 12 दिन में आपने जो कमेंट्स करके बताया है, आपने जो मैसेज किया है, आप में से बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई है, उसी के आधार पे हमने बनाया है। और ये हमने सरकार के साथ जो भी संबंधित प्राधिकार है उनको आज भेज दिया है, और भेजने के बाद आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप जागरूक हों, आपको ये पता चल सके कि आपको कितना पैसा मिलना चाहिए और कितना दिया जा रहा है और आपके साथ क्या धोखा किया जा रहा है। क्योंकि नोटिफिकेशन निकालना सरकार की जिम्मेवारी है, आपको किस नियम से 10,000 रुपया दे रहे हैं उनको बताना चाहिए, और आखिर नोटिफिकेशन क्यों छुपाया जा रहा है। और इसी के लिए हम अनवरत सरकार से लेकर के माननीय कोर्ट तक लिखते रहेंगे और आप लोगों को जागरूक करेंगे। अगर होगा तो आगे क्या क्या हम कर सकते हैं, आप लोगों के पास कोई अगर सुझाव हो तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे हमने भी बहुत सारी बातें सोच रखी है जिसके तहत हम सरकार को नाकोदम करने की कोशिश करेंगे ताकि माननीय कोर्ट का आदेश का पालन हो और आपका पैसा वापस मिल सके। कितना? तो जो आपका पूरा ब्याज सहित होता है वो। इसके लिए दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अधिक से शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक, यानी कि पूरे देश के साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।